I'm one of the only person in the world who is a chartered accountant, been to several countries and also doing a PhD in cryptocurrency. और उसके क्या फायदे हैं और कैसे करनी है, तो ये कैसे वाली वीडियो चूरन नहीं बेचा, फिर कह रहा हूं आपको मैं बताऊंगा वन टू वन स्टेप, और वो बताऊंगा जो मैं खुद कर चुका हूं। मतलब मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई कोर्स का चूरन नहीं बेचना है, सिर्फ 10% आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए। क्रिप्टो मार्केट से जो है ना लाखों डॉलर कमाए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक मेरे हिसाब में तो नया टॉपिक है, पहली दफा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि मेरे तजर्बे में, मुशाहदे में कुछ ऐसी बातें गुजरी हैं कि मैंने सोचा कि आप लोगों से ये बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ हर कोई बैठ के अपना चूरन बेच रहा है, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट की दुनिया के अंदर ऑनलाइन उसको कुछ नजर आया, उसने चार बातें देखी, यूट्यूब पे आके बनाना शुरू कर दिया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके बनाना शुरू कर दिए वीडियोस। अब आप उनसे पूछेंगे उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका तजर्बा क्या है, वो टिम्बकटू तक भी नहीं गए, ठीक है, वीडियोज वो बना रहे हैं अमेरिका और कैनेडा जाने की, यूरोप जाने की। तो मेरे मुशाहदे में भी बात है, रिसेंटली एक बड़ा सैड वाकया हुआ है, 700 लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स जा रहे थे, ऐसा बहुत ज्यादा होता रहता है, ठीक है। मैं पर्सनली जर्मनी में कैंप विजिट करके भी आया हूँ, लेकिन अब सिनेरियो ये है कि उसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तानी हमारे उसमें जो है ना वफात पा गए। अब मसला क्या था, वो कोई 20-20 लाख रुपए भर के गए हुए हैं, मतलब अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं है कि उनको खाने के लाले पड़े हुए थे, ठीक है, उन्होंने अपनी जमीनें बेची, जो कुछ भी किया, व्हाटसएवर, मैं उन रीजंस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लोग वहां पे यूरोप जाके अपना मुस्तकबिल बनाना चाह रहे थे। तो ये मोटिवेटर था मेरे वीडियो बनाने के पीछे। लोग क्या है कि आप एक दिन में जी कनाडा पहुंच जाएं, ठीक है, अब एक दिन में कनाडा कैसे पहुंचेंगे, सब्ज बाग दिखा दिए, थीम्स लगा दिए, आपने वीडियो ओपन की तो पता लगा जी अंदर जो है ना वो अपनी फलसफियां झाड़ रहे हैं बैठे हुए। मैं किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन जो है ना, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी बातें करने के मकसद, मतलब मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। मैं 17 साल का था जब मैंने पहला इंटरनेशनल सफर किया अपना, और मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेरी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब आप लोगों को ये शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को बताऊं कि मैं कौन हूं, मैं बहुत बड़ा फन्ने खान हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ जो है ना, मतलब पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि जो काम मैंने करोड़ों रुपए लगा के किए हैं वो मैं आप लोगों को बेनिफिट दे सकूं। इसके पीछे मतलब मुझे किसी से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो 17 साल का मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेरी एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से और एशिया, मैंने पाकिस्तान में भी स्टडीज की हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मलेशिया, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, आयरलैंड है, मिडल ईस्ट में दुबई, ओमान, बहरीन, ये मैं जस्ट कुछ मुल्क बता रहा हूँ, अमेरिका भी मैं लास्ट 2-3 हफ्ते पहले अमेरिका से आया हूँ, मेरा चक्कर लगता रहता है वहाँ के ऊपर। तो कहने की बात ये, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ जाके ऐसे वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ, और क्योंकि टाइम नहीं होता, ठीक है, मैं मतलब खुद एक PhD रिसर्चर हूँ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंडस्ट्री में काफ़ी साल से काम करता हूँ, अच्छे पैसे कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अब क्यों ये, मतलब एक वो कहता है ना कि दिल से मेरे आ निकली कि यार मतलब हम कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको कुछ टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, तो अब मेजॉरिटी हम लोगों से बाहर जाना चाहती है, ठीक है, पाकिस्तान से, मतलब आप लोगों ने देखा हालात ऐसे हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट आपके पास है, आप यहीं पे बैठ के सारा कुछ कर सकते हैं। ये बातें आपने बहुत दफा सुनी है, यूट्यूब पे हर बंदा बताता है, आइडिया हर किसी के पास है, चूरन है, बेच रहे हैं बैठ के, लेकिन ओ भाई उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो कौन बताएगा, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि भाई आप यूट्यूब से लाखों रुपए कमा लो, बिल्कुल लोग कमा रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि जी आप जो है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, रातों रात अमीर हो जाओगे, बिल्कुल मैं अगर आपको अभी शो ऑफ करना शुरू कर दूं, मैंने क्रिप्टो मार्केट से जो है ना लाखों डॉलर कमाए हैं, मैं आपको दिखाना शुरू कर दूं, आप तो कहोगे बिल्कुल बनते हैं, लेकिन भाई आइडिया तो मैंने आपको दे दिया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके पीछे जो मैंने सेक्रीफाइसेस की हुई हैं, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मैंने टाइम लगाया है, वो आपको कोई नहीं बताता। तो मेरा मकसद ये है, ये जो फॉल्स
उम्मीदें हैं ना, मतलब फेक उम्मीदें और मिस इन्फॉर्मेशन बाहर जाने के हवाले से, ई कॉमर्स काम करने के हवाले से, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, ये व्हाट्सएवर जो भी सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, मकसद ये है आई वॉन्ट यू टू मेक सेल्फ मेड मिलियनेयर्स, ठीक है। मतलब आप लोग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ई कॉमर्स हो गई, 90% मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। मतलब मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई कोर्स का चूरन नहीं बेचना है कि क्रिप्टो का मैं कोर्स बना के यहाँ पे डाल दूँ और आपको कहूँ लाओ भाई मुझे पैसे देते रहो। सिर्फ 10% आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग उन बातों पे अमल कैसे करोगे। मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि आप टिकट लो और लाहौर पहुंच जाओ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टिकट आपको डायवो की लेनी है, कैसे लेनी है वो सारा तरीकेकार बताऊंगा और अपने जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताऊंगा, किसी और की बातें नहीं बता रहा हूं आपको। तो पाकिस्तानियों सीज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग फायदा उठाएं। अच्छा, अब जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब इंशाल्लाह ताला मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को, अब बाहर जाने के हवाले से ना तीन तरह की कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ घूमना फिरना चाहते हैं, वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, तो पैसे वाले को तो वैसे ही मतलब आइडियाज बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मसला होता है जो बिल्कुल ही स्टार्ट से, ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं, या अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेट ने उनको इतनी एक्सपोजर तो दे दिया, उनको चमक धमक नजर आने लग गई है, लेकिन वो चमक धमक पे वो सीज द अपॉर्चुनिटी नहीं कर पा रहे। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा कि कैसे करना है उसको, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी वो है जो कि लोग काम करने के लिए जाते हैं। अब काम करने के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है, जाना कैसे है, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, कनाडा आपको बुला रहा है बगैर आइल्स, बगैर एलएमआईए ब्ला ब्ला ब्ला, वेबसाइट पे जाते हैं, पायलट प्रोग्राम की बताना शुरू कर देते हैं, खुद पूछो कभी अप्लाई किया है, कभी भी नहीं, ये बातें नहीं बताएंगे कि मैंने अप्लाई किया है, मैं गया हूं, सबूत किया है, मैंने क्या किया है। तो इंशाल्लाह मैं जो आपको बात करूंगा, मैं आपको हर चीज विद प्रूफ, मतलब क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने मरना है, ठीक है, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के जो मेरे इंशाल्लाह मुशाहिदे में बात है, मैं आपको सिर्फ वही शेयर करूंगा, जो मुझे बात नहीं पता मैं आप लोगों को क्लियर कट कहूंगा। हम नौज़बिल्लाह मतलब परफेक्ट कोई इंसान नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जो ऑलरेडी 20-30 साल बाहर ट्रैवलिंग और एजुकेशन, उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको बात। अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं YouTube बनाऊं, मतलब मुझे 4 लाइक्स और वो पैसे वैसों का कोई लालच नहीं है, मकसद ये है कि लोग इतने पैसे भर के भी ठीक काम नहीं कर पाते, ठीक है। अब मैं, अब लोग वीडियोस बना रहे हैं जी स्कॉलरशिप के ऊपर, स्टूडेंट्स चले जाएं, इटली स्कॉलरशिप दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, कैनेडा ने दे दी, जापान ने दे दी, और भाई आपने कभी स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडी की है, कभी आपने अप्लाई किया है, आपको पता है कि मेहनत, मतलब वो जो हमने अगर वो PhD अप्लाई करने लगा तो सुपरवाइजर्स को अप्रोच कैसे करना है, आपने ईमेल कैसे लिखनी है, कुछ भी नहीं पता। मैं आपको, मैं अल्हम्दुलिल्लाह PhD रिसर्च जो क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूँ, मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर हूँ और दुनिया के टॉप 1% बिजनेस स्कूल के साथ कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं, ठीक है। आई एम वन ऑफ द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीन टू सेवरल कंट्रीज एंड ऑल्सो डूइंग अ PhD इन क्रिप्टो करेंसी। अब मैं अंग्रेजी झाड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अपनी बात पे एम्फसाइज कि भाई लोगों के चूरन से दूर हो जाओ। मैं दुनिया में ट्रेवल करता हूँ, हर कम्युनिटी, इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बंगाली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी वो टांगे खींचते हैं एक दूसरे की, ओ भाई तुम्हें क्या मौत पड़ रही है, मतलब मदद कर लो, रिस्क अल्लाह ने देना है, तुम्हारी जेब से थोड़ी जाना है। अब मैं अगर आपको कोई बात बता रहा हूं, मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाने हैं, तो क्या आप मेरी जेब से खा लोगे, नहीं ना, मतलब अल्लाह ने आपको रिस्क देना, आपने अपनी जात से खाना है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊंगा। तो तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, विजिट वाले, स्टडी वाले, और जो वर्क के लिए जाना चाहते हैं। और इसी के साथ कनेक्टेड है इमिग्रेशन, कि इमिग्रेशन आपने किस कंट्री में करनी है और उसके क्या फायदे हैं और कैसे करनी है। तो ये कैसे वाली वीडियो चूरन नहीं बेचा, फिर कह रहा हूं आपको मैं बताऊंगा 1-to-1 स्टेप, और वो बताऊंगा जो मैं खुद कर चुका हूं,
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, उसके प्रोस एंड कॉन्स के, ये फायदा है ये नुकसान है, अगर आप ये स्टार्ट करने लगोगे तो ये आपको मुश्किलात आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है मेरी अभी नेक्स्ट वीडियो के